साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, ब्राह्मण धर्म उर्फ हिंदू धर्म के अनुसार चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्ण के बाहर के लोगों को अछूत कहा गया है। मैंने कुछ ओबीसी लोगों को पूछा तुम्हारा वर्ण कौन सा है, तो वे बताते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। लेकिन परशुराम नामक ब्राह्मण ने 21 बार क्षत्रिय नष्ट किए हैं। आज ब्राह्मण छोड़कर सब शूद्र हैं, यानी कि अभी दो ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। इसका मतलब सभी ओबीसी शूद्र हैं। उनको खुद को क्षत्रिय वैश्य कहना गलत है। अगर उनको वह शूद्र हैं इस बात पर यकीन नहीं है तो इसका प्रूफ उनके पास ही है, उनके अपने घर में ही है। वो क्या है? ओबीसी लोग ब्राह्मण से जो कुंडली निकलते हैं वो गौर से पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा होता है शूद्र वर्ण, राक्षस गण। उदाहरण के लिए एक कुछ ओबीसी की कुंडली देखिए, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। ओबीसी शूद्र को अपना खुद का इतिहास मालूम नहीं है। आज हम इसी विषय की चर्चा करेंगे। शूद्र पहले कौन थे? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है, इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। शूद्रों की स्थिति के बारे में ब्राह्मणवादी सिद्धांत। शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जा चुका है। जब हम शूद्रों की नागरिक स्थिति के संबंध में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनके विधान में शूद्रों के लिए निरोग्यताओं के बारे में बहुत लंबी सूची बनाई गई है और उनमें कठोर ताड़ना और दंड की व्यवस्था है। संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की निरोग्यताओं और उनके लिए दंड विधान के निम्नलिखित उदाहरण पाए जाते हैं। नंबर एक, कथन संहिता 31.2 और मैत्रयानी संहिता अध्याय 4.1.3 तथा 1.8.3 के अनुसार शूद्र को उस गाय का दूध नहीं निकालने देना चाहिए जिसका दूध अग्निहोत्र के उपयोग में लाया जाता है। नंबर दो, शतपथ ब्राह्मण 3.1.1.1 मैत्रयानी संहिता 10.1.1.6 तथा 25 ब्राह्मण 6.1.11 के अनुसार यज्ञ करते समय शूद्र से नहीं बोला जाए तथा यज्ञ के समय शूद्र उपस्थित न हो। नंबर तीन, शतपथ ब्राह्मण 14.1.3 और कथक संहिता 11.10 में आगे कहा गया है शूद्र को सोम रस का पान करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नंबर चार, ऐत्रेय ब्राह्मण 6.3.4 और 25 ब्राह्मण 6.1.11 ने तो निम्न स्तर पर पहुंचकर यह कह दिया है कि शूद्र दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शूद्रों के विरुद्ध छोटी सी बदली आगे चलकर तूफान बनकर शूद्रों पर बरसी, क्योंकि आपस्तंभ और बोधायन आदि जैसे सूत्रकारों और मनु आदि जैसे स्मृतिकारों द्वारा बनाए विधानों ने शूद्रों के लिए प्रतिबंधों का इतना अंबार लगाया है जो कल्पनातीत है। ये निर्योग्यताएं इतनी भयानक है कि इन्हें जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा उन पर विश्वास नहीं होगा। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उनका पूर्ण विवरण यहाँ देना असंभव है। जिन्हें इनके विषय में जानकारी नहीं है, उनके विधान में जो मंत्र बिखरे हैं, हम उनके लिए कुछ उद्धरण स्मृतियों और सूत्रों से देंगे। 2.1 आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण है। इनमें क्रमशः हर वर्ण अपने बाद वाले वर्ण से जन्म से ही श्रेष्ठ है। इनमें शूद्र और जिन्होंने पतित कार्य किए हैं उनको छोड़कर सभी को एक उपनयन जनेऊ धारण करना। 2. वेदाध्ययन तथा 3. यज्ञ का अधिकार है। ख, वशिष्ठ धर्म सूत्र में जो कहा गया है वह इस प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण है। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहे जाते हैं। इनका प्रथम जन्म माँ के पेट से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार से। दूसरे जन्म में सावित्री माँ होती है और गुरु पिता।
गुरु वेद का ज्ञान देने के कारण पिता माना गया है। चारों वर्ण संस्कार और मूल वर्ण में जन्म के कारण भिन्न है। वेद की ऋचाओं में भी यह कहा गया है, ब्राह्मण उसके मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य उसकी जंगाओं से और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। वेदों में यह भी कहा गया है कि शूद्र को यज्ञ पवित का अधिकार नहीं है, उसने ब्राह्मण को गायत्री छंद से, क्षत्रिय को त्रिष्टुप से उत्पन्न किया है। ग मनुस्मृति में इस विषय पर निम्न विधान प्रस्तुत किया गया है। नियता ने विश्व की समृद्धि हेतु मुख, बाहु, जंगा और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहलाते हैं, जबकि चौथा वर्ण शूद्र का एक ही बार जन्म होता है। दो क अपस्तंभ धर्म सूत्र का कथन है, वर्ण त्रयी द्विज शमशान या उसके निकट वेद पाठ न करे। यदि शमशान पर गांव बस गया हो या उस स्थान को खेती करने के योग्य बना दिया गया हो तब वहाँ वेद पाठ निषिद्ध नहीं, किंतु यदि वह स्थान अब भी शमशान के नाम से ही प्रचलित हो तो वहाँ वेद पाठ निषिद्ध है। शूद्र तथा जाति से बहिष्कृत शमशान भूमि के समान है और सूत्र संख्या 6 इन पर लागू होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस मकान में शूद्र और बहिष्कृत रहते हैं वहाँ विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी और शूद्र स्त्री एक दूसरे को देख ले तब वेद के मंत्रोच्चारण में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। अपवित्र अवस्था में ब्राह्मण या अन्य उच्च वर्ण वाला व्यक्ति यदि किसी खाद्य पदार्थ को स्पर्श कर दे तो वह अपवित्र तो हो जाता है, अखाद्य नहीं होता, किंतु यदि अपवित्र शूद्र द्वारा लाया गया हो भोजन खाने योग्य नहीं होता। शूद्र यदि भोजन करते समय स्पर्श कर दे तो भोजन करने वाले को भोजन छोड़ देना चाहिए। विष्णु स्मृति का विधान है, द्विज की लाश कोई शूद्र न ले जाए, भले ही वह मृतक का कोई संबंधी ही क्यों न हो। शूद्र की लाश को कोई द्विज न ले जाए, माता और पिता के शव को उनका वह पुत्र ले जाए जो अपने माता पिता की जाति का ही हो। शूद्र किसी द्विज के शव को कदापि न ले जाए, चाहे वह मृतक उसका पिता ही क्यों न हो। ग वशिष्ठ धर्म सूत्र में कहा गया है, अब हम खाद्य और अखाद्य की व्याख्या करते हैं। चिकित्सक, शिकारी, व्यभिचारी स्त्री, गदाधारी, चोर, अभिशक्त, नपुंसक द्वारा दिया गया भोजन अथवा जाति से बहिष्कृत कर दिए का भोजन नहीं खाना चाहिए। न ही किसी कंजूस, श्राद्ध कर्म करने वाले, कैदी, रोगी, सोमलता के विक्रेता, बड़ई, धोबी, शराब बेचने वाले, गुप्तचर, सूदखोर अथवा चर्मकार का और न ही किसी शूद्र का दिया हुआ भोजन करना चाहिए। कुछ लोग शूद्रों की नस्ल को शमशान भूमि की संज्ञा देते हैं, अंततः शूद्रों की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। वे यम द्वारा उद्घोषित निम्नलिखित मंत्र का उल्लेख करते हैं, दुष्ट शूद्र जाति स्पष्ट रूप से शमशान भूमि की भांति है, अंततः इनके समक्ष वेद पाठ नहीं किया जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति पवित्र वेदाध्ययन से और कुछ आत्मसंयम से श्रद्धा पात्र हो जाते हैं, किंतु जिस ब्राह्मण में शूद्र का दिया भोजन नहीं किया हो वह आदर का सर्वोत्तम पात्र होता है। यदि शूद्र द्वारा दिया गया भोजन ब्राह्मण के आमाशय में हो और वह मृत्युगामी हो जाता है तो वह अगले जन्म में ग्रामीण सुअर का जन्म धारण कर उसी शूद्र के घर जन्म लेता है, भले ही वह ब्राह्मण जिसका शरीर शूद्र प्रदत्त भोजन से पोषित है प्रतिदिन वेद पाठ करे, अग्नि होम करे या जाप करे, वह कदापि उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता। शूद्र प्रदत्त भोजन ग्रहण करने पर यदि वह स्वजातीय पत्नी से सहवास कर संतानोत्पत्ति करता है तो वह संतान भी उसी जाति की होगी जिस शूद्र का भोजन ग्रहण किया गया है और स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद मिलेंगे। घ मनुस्मृति में व्याख्या है, ब्राह्मण शूद्र राज्य में निवास न करे और न उस स्थान पर जो दुरात्माओं की बस्तियों से घिरा हो या नास्तिक वेद निंदकों से प्रभावित हो या जहाँ चांडाल आदि अधम जातियाँ निवास करती हो। शूद्र के यहाँ यज्ञ संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में अन्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करने निमंत्रण नहीं देना चाहिए। उसके स्पर्श से भोजन कराने का पूरा लाभ यजमान को नहीं मिलता। मृत शूद्र को नगर के दक्षिण, वैश्य को पश्चिमी, क्षत्रिय को उत्तरी तथा ब्राह्मण को पूर्वी द्वार से ले जाए। तीन क अपस्तंभ धर्म सूत्र में व्याख्या है, ब्राह्मण दाहिनी भुजा कान की ऊंचाई तक उठाकर, क्षत्रिय वक्ष स्थल की ऊंचाई तक, वैश्य कमर की ऊंचाई तक तथा शूद्र दोनों हाथ नीचे की ओर जोड़कर प्रथम प्रणाम करे। प्रत्युत्तर के प्रथम तीन वर्णों से संबंधित मनुष्य को उच्चारण करने वाला अंतिम शब्द तीन अंगुल नीचे भुजा उठाकर अभिवादन करे। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के घर अतिथि बनकर आए
तो ब्राह्मण उससे कुछ काम कराकर तब भोजन दे, अन्यथा वह सम्मानित माना जाएगा। अथवा ब्राह्मण का दास राजकीय भंडार से चावल लाकर शूद्र को देकर उसका उपकार करे। ख, विष्णु स्मृति के अनुसार अतिथि सत्कार करने अथवा वेद यज्ञ या श्राद्ध में उसको शूद्र को भोजन कराने का दंड 105 है। ग, मनुस्मृति का आदेश है। 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के पिता तुल्य होता है। धन, बंधुत्व अथवा कर्म और विद्या, ये 5 आदर सूचक स्थान है। अंतिम विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण आदर सूचक है। तीनों वर्णों में उपरोक्त 5 गुणों में जिनका जितना अधिक गुण हो वह उतना ही मान्य होता है। किंतु शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी या धन संपन्न हो, वह 90 वर्ष की आयु के पश्चात ही माननीय होता है, इसके पूर्व नहीं। अधिक आयु होने, बाल पकने, अधिक धनी होने या अधिक परिवार बढ़ाने से कोई बड़ा नहीं होता। ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की है कि वेदांत का ज्ञानी ही सबसे बड़ा होता है। ज्ञान से ब्राह्मणों की, बल से क्षत्रियों की, धन से वैश्यों की और आयु से शूद्रों की श्रेष्ठता होती है। केवल सिर के बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु वेदांग को जानने वाला अल्पायु होते हुए भी वृद्ध के समान होता है, ऐसा देवताओं का कथन है। ब्राह्मण के घर आने वाले क्षत्रिय, वैश्य, मित्र, स्वजन और गुरु अतिथि नहीं कहे जाते। यदि कोई क्षत्रिय अतिथि के रूप में आए तो पहले भोजन करने के बाद ही ब्राह्मण उसे भोजन दे। यदि वैश्य या शूद्र ब्राह्मण के अतिथि के रूप में आए तो उन्हें सेवकों के साथ दया भाव प्रदर्शित करते हुए भोजन दे। 4, आपस्तम्भ धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय के हत्यारे को 1000 गाय, वैश्य के हत्यारे को 100 गाय तथा शूद्र के हत्यारे को 10 गाय ब्राह्मण को दान कर प्रायश्चित करना होगा। ख, गौतम धर्म सूत्र के अनुसार क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर 100 काश्यपन, आघात करने पर उससे दुगुना अर्थ दंड है। ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर वैश्य को क्षत्रिय से 1.5 गुना दंड देना होगा। इसके विपरीत ब्राह्मण क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह अर्थात 50 काश्यपर्ण देगा। इसी प्रकार वैश्य को अपशब्द कहने पर ब्राह्मण क्षत्रिय के मामले की अपेक्षा 25 काश्यपर्ण देगा, किंतु यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो वह कुछ भी दंड न देगा। ग, बृहस्पति के धर्म सूत्र के अनुसार ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय को अपशब्द कहने पर 50 पन, वैश्य को अपशब्द कहने पर 25 पन और शूद्र को अपशब्द कहने पर 12.5 पन दंड देना होगा। यह दंड केवल गुणवान या धार्मिक शूद्र को अपशब्द कहने पर, अर्थात जो अपना शूद्रत्व स्वीकार कर स्वेच्छा से सेवारत है और निरपराध है। उसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा किसी अधर्मी शूद्र को अपशब्द कहने पर किसी दंड का विधान नहीं है। वैश्य यदि क्षत्रिय को अपशब्द कहे तो वह 100 पन दंड देगा, किंतु क्षत्रिय वैश्य को अपशब्द कहे तो उसका आधा दंड देगा। क्षत्रिय यदि शूद्र को अपशब्द कहे तो केवल 20 पन दंड देगा, किंतु वैश्य शूद्र को अपशब्द कहे तो उसका दुगुना दंड देगा। इसके विपरीत शूद्र वैश्य को अपशब्द कहे प्रथम उल्लिखित दंड देगा, क्षत्रिय को गाली देने पर बीच का दंड और ब्राह्मण को अपशब्द कहने पर कठोरतम दंड का भागी होगा। घ, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण को कटु वचन कहे तो 100 पन दंड, वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो वह 150 पन या 200, किंतु शूद्र को प्राण दंड देना होगा। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो 50 पन, वैश्य का अपमान करे तो 25 पन, किंतु शूद्र का अपमान करने पर केवल 12.5 पन दंड देना होगा। क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण हत्या के दंड का 4वां भाग प्रायश्चित, अपने कर्तव्य में संलग्न वैश्य की हत्या करने पर 8वां भाग प्रायश्चित और शूद्र की हत्या करने पर 16वां भाग प्रायश्चित करेगा। यदि भूल से ब्राह्मण से क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो वह 1 बैल और 1000 गाय ब्राह्मण को दान करे अथवा 3 वर्ष तक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे रहकर जटा बढ़ाकर प्रायश्चित करे। अपनी वृत्ति में संलग्न वैश्य की अनजाने में हत्या करने पर ब्राह्मण 1 वर्ष तक प्रायश्चित करे और 101 गाय ब्राह्मणों को दान करे, किंतु शूद्र का अनजाने में वध हो जाने पर 6 मास तक प्रायश्चित करे अथवा 1 बैल और 10 सफेद गाय पुरोहित को दान करे। ड, विष्णु स्मृति के अनुसार शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे या आघात करे, राजा उसके उस अंग को कटवा दे
यदि अपने से उच्च वर्ण वाले मनुष्य के आसन पर बैठ जाए तो राजा उसके चूतड़ को दाग कर उसे देश से निकाल दे, यदि वह थूक दे तो उसके दोनों ओट कटवा दे, यदि अपान वायु विसर्जित पाद कर दे तो उसका पिछला हिस्सा काट दे, यदि गाली दे तो उसका जिह्वा काट दे। इसी प्रकार यदि निम्न वर्ण में उत्पन्न पुरुष अपने से उच्च वर्ण को गर्वोत्ति से कर्तव्य पालन संबंधी कुछ सलाह दे तो राजा उसके मुंह पर गरम तेल डलवा दे, यदि शूद्र उच्च वर्ण वाले को अपमान से नाम लेकर पुकारे तो उसकी जीभ में 10 अंगुल की कील आग से लाल करके गाड़ दे। 5 बृहस्पति स्मृति के अनुसार यदि शूद्र धर्म उपदेश दे, वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे तो उसकी जीभ काट दी जाए। ख गौतम धर्म सूत्र के अनुसार अब यदि वह जानबूझकर वेद पाठ का श्रवण करे तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा या लाख डलवा दे, यदि वेद पाठ करे तो उसकी जीभ कटवा दी जाए, यदि वह वेद मंत्र का स्मरण करे तो उसके टुकड़े कर दिए जाए। ग मनुस्मृति के अनुसार वेतन लेकर पढ़ाने वाला या वेतन देकर पढ़ने वाला शूद्र, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला देव और पितरों दोनों के अनुष्ठान में त्याज्य है। शूद्र को सलाह न दे, उच्छिष्ट और हवि शेषांश न दे, उसे धर्म और वृत्त का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दे। जो धर्म का उपदेश और वृत्त का आदेश करता है वह शूद्र के साथ असंवृत नामक अंधकार में नरक में गिरता है। शूद्र के सम्मुख वेद पाठ न करे, रात के पिछले प्रहर में वेद पढ़कर थके हुए ब्राह्मण को सोना नहीं चाहिए। 6 मनुस्मृति का उपदेश है, ब्राह्मण शूद्र का धन बेरोक टोक ले सकता है क्योंकि शूद्र का अपना धन कुछ नहीं है, समस्त धन उसके स्वामी का है। वास्तव में धन संचय करने में समर्थ शूद्र धन संग्रह न करे क्योंकि धन प्राप्त कर वह ब्राह्मण को ही सताता है। 7 मनुस्मृति का राजा के लिए परामर्श, जन्म से ब्राह्मण अथवा स्वयं को ब्राह्मण कहलाने वाला राजा को धर्म अथवा राजनीति सिखा सकता है, शूद्र नहीं। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायकर्ता होता है उसका राज्य कीचड़ में दसी गाय की भांति धरातल को चला जाता है। जिस देश में शूद्र अधिक हो, नास्तिक हो तथा द्विज न बसते हो वह देश अकाल और रोग से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। 8 अपस्तंभ धर्म सूत्र कहता है, धर्म पालन करने वाले तपस्वी तथा ब्राह्मण का चरण धोकर पीने वाले शूद्र, अंधे, गूंगे, बहरे और रोगी जब तक अशक्त रहे को कर मुक्त रखा जाए। शूद्र को धर्म है कि तीनों वर्णों की सेवा करे, वह उच्च वर्ण की जितनी अधिक सेवा करेगा उसे उतना ही अधिक पुण्य लाभ होगा। ख मनुस्मृति का कथन है, महातेजस्वी ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा हेतु मुख, बाहु, जंगा और पांव से उत्पन्न होने वाले जीवों का पृथक कर्म निर्धारित किया है। ब्राह्मण के लिए पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ कराना कराना, दान देना लेना कर्म निश्चित किए हैं। क्षत्रिय के लिए रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कराना, पढ़ना, विषय भोग में आसक्त न होना कर्म निर्धारित किए हैं। पढ़ना, पशुपालन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, खेती करना और ब्याज पर रुपया देना वैश्यों का कर्म है। शूद्रों के लिए उपरोक्त तीनों वर्णों का श्रद्धा भाव से सेवा करना एकमात्र कर्म निश्चित किया है। 9 अपस्तंभ धर्म सूत्र कहता है, शूद्र स्त्री से द्विज वर्ण का पुरुष व्यभिचार करे तो उसे देश निकाला दिया जाए, उसके विपरीत यदि शूद्र किसी द्विज स्त्री से व्यभिचार करता है तो वह प्राणदंड का भोगी होता है। ख गौतम धर्म सूत्र कहता है, यदि शूद्र आर्य स्त्री के साथ संभोग करे तो उसका लिंग काट कर उसकी समस्त संपत्ति छीन ली जाए, किंतु स्त्री का कोई अभिभावक है तो शूद्र का लिंग काट कर उसे प्राण दंड दिया जाए। ग मनुस्मृति का आदेश, उच्चतम वर्ण की कन्या के साथ सहवास करने वाला शूद्र प्राण दंड के योग्य है, समान वर्ण की महिला के साथ सहवास करने वाला कन्या के पिता को धन से संतुष्ट कर विवाह कर ले। जो शूद्र अभिभावक विहित द्विज स्त्री के साथ व्यभिचार करे राजा उसका लिंग कटवा कर सर्वस्व हरण कर ले, किंतु अभिभावक से रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो सर्वस्व हरण के साथ प्राण दंड दे। द्विज जातियों को अपनी जाति की कन्या से विवाह करना श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष केवल शूद्र से, वैश्य पुरुष वैश्य एवं शूद्र से, क्षत्रिय पुरुष क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कन्या से विवाह कर सकते हैं।
किंतु ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण श्री न मिलने पर भी शूद्र को पत्नी बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता है। जो द्विज मोहवश शूद्र कन्या से विवाह करते हैं, वे संतान सहित अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना देते हैं। ब्राह्मण शूद्र स्त्री के साथ सहवास करने से अधोगति नरक को प्राप्त करता है और उससे पुत्र उत्पन्न कर ब्राह्मण पद से भी रहित हो जाता है। विवाहित शूद्र पत्नी के हाथ का बनाया हुआ हव्य देवता पितर और अतिथि ग्रहण नहीं करते और शूद्र ऐसे आतिथ्य से स्वर्ग भी नहीं जा पाता। जो द्विज शूद्र स्त्री का अधरपान करता है और उसके श्वास से अपने प्राणवायु को दूषित कर उससे जो संतान उत्पन्न करता है उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। 10 क वशिष्ठ धर्म सूत्र का कहना है, द्वेष भाव ईर्ष्या रखना, असत्य भाषण, ब्राह्मण निंदा, चुगलखोरी और निर्दयता शूद्र के लक्षण है। ख विष्णु स्मृति का कथन है, ब्राह्मण का नाम मंगलकारी, क्षत्रिय का बलशाली, वैश्य का धन संपन्नशाली और शूद्र का घृणा सूचक रखा जाए। गौतम धर्म सूत्र कहता है, शूद्र चौथे वर्ण का है और उसका एक ही जन्म होता है। उसका धर्म तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना है। उनकी सेवा द्वारा जीविकोपार्जन करता है। वह उनके उतारे हुए जूते पहने और झूठन खाए, किसी द्विज को अपमानजनक गाली देने व मुक्का मारने पर शूद्र का वह अंग काट दिया जाए, बैठने सोने वार्तालाप करने या सड़क पर चलने पर द्विज की बराबरी करे तो दंड दिया जाए। ग मनुस्मृति भी उसका अनुसरण करती है, किंतु यदि जो ब्राह्मण लोभ या प्रभुत्व से उपनयनधारी द्विजातियों से उनकी इच्छा के विरुद्ध दास का काम ले तो उसे राजा 600 दंड दे। शूद्र ब्राह्मण द्वारा खरीदा हुआ हो या न हो उससे नौकर का काम ले, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे ब्राह्मण की सेवा के लिए ही बनाया है। स्वामी के द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर भी शूद्र दास वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वह दासता उसकी नियति है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। केवल ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्र को स्वर्ग देने वाला पर धर्म है। यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला, श्रेष्ठ जातियों की सेवा करने वाला, मधुर भाषा, अहंकार रहित, उनके आश्रित रहने वाला शूद्र अपने से उत्कृष्ट जाति दूसरे जन्म में को प्राप्त करता है। ब्राह्मण की सेवा से शूद्र का जीवन निर्वाह न होता हो तो क्षत्रिय की सेवा करे, और इससे भी निर्वाह न होता हो तो वैश्य की सेवा करे। वह स्वर्ग की प्राप्ति हेतु या दोनों स्वार्थ और परामार्थ हेतु ब्राह्मणों की सेवा करे। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र की प्रसिद्धि के लिए कृत्यता है। ब्राह्मण की सेवा करना शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस कार्य से भिन्न वह जो भी कार्य करता है उसके लिए निष्फल होता है। उस शूद्र की सेवा क्षत्रि कार्य कुशलता और भृत्यों का परिग्रह, परिवार के पोषण का व्यय देखकर ब्राह्मण अपने परिवार के यथार्थ प्रयत्न करे। उस शूद्र को झूठा अन्न, पुराना वस्त्र, हीन धान्य, जीर्ण ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। ब्राह्मण मंगल सूचक, क्षत्रिय बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का निंदा सूचक नाम रखना चाहिए। शर्मांत ब्राह्मण का, क्षत्रिय का सभा से युक्त, वैश्य का पुष्टि से युक्त और शूद्र का दास से युक्त नाम रखना चाहिए। शूद्र यदि द्विज को कटु वचन कहे तो उसकी जबान छेद देनी चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पापमय स्थान से है। शूद्र यदि द्रोहवश द्विजातियों का नाम और जाति का नाम लेकर बुरी बात कहे तो 10 अंगुल की जलती हुई लोहे की सलाख उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यदि वह अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खोलता हुआ तेल डलवा दे। अंतज अपने जिस अंग से द्विज पर आघात करे उसका वही अंग काटना चाहिए, यह मनु का आदेश है। यदि वह द्विज को मारने के लिए हाथ या लाठी उठाए हो तो उसका हाथ और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर कटवा देना चाहिए। जो नीच वर्ण वाला ब्राह्मण आदि के साथ आसन पर बैठने का साहस करे तो राजा उसकी कमर को दाग कर उसे देश से निकाले अथवा उसके नितंब का मांस कटवा दे। राजा ब्राह्मण के ऊपर अहंकार वश थूकने वाले शूद्र को दोनों होठ, पेशाब करने वाले का लिंग और अपान वायु छोड़ने वाले का मल द्वार गुदा कटवा दे। जो शूद्र अविचार से ब्राह्मण का केश
पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो बिना विचार किए राजा उसके दोनों हाथ कटवा दे। जो अपने ही स्वजाति वाले की चमड़ी काटे, लहू निकाल दे तो उसे 100 पन दंड दे। मांस काटने वाले को 6 निष्क दंड दे और हड्डी तोड़ने वाले को देश से निकाल दे। ड नारद स्मृति कहती है, शूद्र जिस द्विज पर मिथ्यारोप लगाता है तो राजा के अधिकार उसकी जबान को टुकड़े टुकड़े काट कर उसे फांसी पर लटका दे। एक जन्म वाला व्यक्ति अर्थात शूद्र यदि द्विज का द्वेष वश अपमान करे तो नीच जाति में जन्म लेने के कारण उसकी जबान काट दी जाए। किसी व्यक्ति का नाम घृणा से ले तो 10 अंगुल की सलाख गरम कर उसकी जीभ में छेद दी जाए। यदि किसी ब्राह्मण को वह दुष्टता पूर्वक धर्मोपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा दे। शूद्र का जो अंग ब्राह्मण को दुख देता हो तो वह अंग काट दिया जाए। नीच जाति का पुरुष यदि अपने से ऊंची जाति के समकक्ष आसन ग्रहण करे तो उसकी कमर दाग कर निष्कासित कर दे या राजा उसके नितंब को गहराई से कटवा दे तो उदंडता पूर्वक अपने से ऊंची जाति वाले के ऊपर वह थूक दे तो राजा उसके दोनों होठ व पेशाब कर दे तो लिंग अपान वायु छोड़ दे तो चूतड़ कटवा दे। नंबर 3, शूद्र के विरुद्ध ब्राह्मणों ने जो विधान बनाए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, शूद्रों को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में अंतिम स्थान पर रखा गया। नंबर 2, शूद्र अपवित्र है, अंतः कोई पवित्र कर्म ऐसे स्थान पर नहीं किया जाए जहां वह अनुष्ठान को देख सके या सुन सके। नंबर 3, अन्य वर्णों की भांति शूद्र का सम्मान न किया जाए। नंबर 4, शूद्र का जीवन व्यर्थ है, उसका वध कोई बिना दंड दिए कर सकता है और यदि कुछ देना भी पड़े तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा बहुत कम। नंबर 5, शूद्र को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, यह पाप है और उसको ज्ञान देना दंडनीय अपराध है। नंबर 6, शूद्र को कोई संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, ब्राह्मण जब चाहे उसकी संपत्ति को छीन सकता है। नंबर 7, राज्य में शूद्र को कोई पद नहीं दिया जा सकता। नंबर 8, शूद्र का धर्म अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना है, इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। नंबर 9, उच्च वर्ण वाला शूद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता, वे शूद्र स्त्रियों को सहवास हेतु रख सकते हैं, किंतु यदि शूद्र उच्च वर्ण की किसी स्त्री का स्पर्श भी कर दे तो उसे कठोर दंड दिया जाए। नंबर 10, शूद्र जन्म से दास है, उसे सर्वदा दास बनाकर रखा जाए। उपरोक्त संक्षिप्त वर्णन से 2 तथ्य प्रकट होते हैं। ब्राह्मणवादी विधान निर्माताओं ने स्वरचित विधानों का शिकार केवल शूद्र को ही बनाया है। यह जानकर और अधिक आश्चर्य होगा कि भारत आर्य समुदाय में प्राचीन ब्राह्मणवादी साहित्य के अनुसार वैश्य अधिक दलित था न कि शूद्र। ऐतरेय ब्राह्मण में इस संबंध में विवरण प्राप्त होता है। इसमें राजा विश्वामित्र तथा शापर्ण ब्राह्मण की कथा है, जिसमें कहा गया है कि पवित्र सोमरस पाने के सभी वर्ण अधिकारी है। वैश्य के विषय में इसमें कहा गया है, अब यदि पुरोहित दही लाता है तो वैश्य का एक घूट शराब का एक घूट है, उससे वैश्य को संतुष्ट करो। वैश्य की भांति आपकी श्रेणी में एक पैदा होगा, जो दूसरों को कर देते हैं अथवा जो दूसरों द्वारा प्रयोग किया खाया जाता है और जिसे जब चाहे सताया जा सकता है। प्रश्न यह है कि वैश्य को छोड़ दिया गया और सारी मार शूद्रों के ऊपर ही क्यों पड़ी। ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त होने से शूद्र के निकटतम वैश्य वर्ण भी प्रभावित हुए। शूद्र 3 वर्णों के नीचे है और उन्हें बहिष्कृत किया हुआ है। ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा लगता है कि 3 वर्णों को शूद्रों का शोषण करने का अधिकार है, लेकिन तथ्य क्या है? वास्तविकता यह है कि क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के विरुद्ध आवाज उठाने के भी अधिकारी नहीं है। 3 वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त है। उदाहरणार्थ शूद्र यदि कोई अपराध करता है तो ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य की अपेक्षा शूद्र को अधिक दंड दिलाने का अधिकार है। ब्राह्मण अपनी आवश्यकता अनुसार बिना किसी अपराध बोध के शूद्र की संपत्ति का हरण कर सकता है। शूद्र को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे ब्राह्मण को दुख होता है। ब्राह्मण को शूद्र राजा के राज्य में नहीं रहना चाहिए। यह क्यों है? क्या कारण है कि ब्राह्मण शूद्र से विद्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं? इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार आवश्यक है। क्या सामान्य ब्राह्मण शूद्रों के निषेध के बारे में सोचता है? उनके विचार असाधारण और प्राकृतिक रूप से निंदनीय है, यह भी स्वीकार करेंगे? क्या ब्राह्मण भी इसे स्वीकार करेंगे?
यदि प्रतिबंधों की सूची उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाले तो यह अस्वाभाविक नहीं। प्रथम बात यह है कि चिरंतर प्रकृति और मानसिकता ने उन्हें इतना कुंठित कर दिया है कि शूद्रों पर लागू निषेधों के कारण और निवारण के संबंध में ब्राह्मणों के विचार करने की जरूरत नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनमें से जो कुछ विचारवान है वे भी यह कहकर इस बात को टाल देते हैं कि अन्य देशों में भी इसी प्रकार के प्रतिबंध विद्यमान है, अंततः यह कोई असामान्य या लज्जाजनक स्थिति नहीं है। दूसरे प्रकार के इन विचारों की विवेचना आवश्यक है। दूसरा मत सरल और ग्राह्य है और प्रतिष्ठा देने और रूढ़िगत आस्थाओं को सुधारने में सहायक है। फिर भी किसी बात को वैसे ही छोड़ना ठीक नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रतिबंध विश्व भर में अद्वितीय है। ब्राह्मणवादी विधान की विश्व के किसी विधान से बराबरी करना असंभव है। इसकी रोमन विधान से ही तुलना करें। नंबर 4,